मालदीव के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर ओपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है, कश्मीर में बने कपड़े को फेंक रहे हैं यानी कि इंसल्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के हैशटैग चला रहे हैं, उनके रिलीजन लीडर हिंदू टैक्स को पोर्न स्टार बता रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश के लोगों ने भारत की हार का सेलिब्रेशन किया था। क्या बांग्लादेश भारत से सच में नफरत करता है? उन्हें आजादी कराने के बावजूद भी आज वहाँ के लोग भारत को अपना दोस्त नहीं मानते। क्या मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी ऐसे सेम कैंपेन शुरू हुए हैं या फिर ये कोइंसिडेंट है? बांग्लादेश के पॉलिटिशियन ने ये बात देखी कि मालदीव के अंदर इंडिया आउट के कैंपेन चले और इसी कैंपेन के बेसिस पर मुजू की सरकार बनकर आई थी। ऐसे कैंपेन भी बांग्लादेश के अंदर भी और ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी इलेक्शन पूरे खत्म हो चुके हैं। आवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रोड होकर आई है। वोट और टर्नल आउट सिर्फ 40% ही हुआ है और ओपोजिशन पार्टी वालों ने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि इन सब लोगों का यह मानना है कि बांग्लादेश के अंदर फियर इलेक्शन यानी इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर इलेक्शन पहले ही खत्म हो चुके हैं तो ऑलरेडी ये कैंपेन क्यों हो रहा है? बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी देश है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश में सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना के अंदर सीपीएम है और सिंगापुर में पीपुल्स पार्टी है, वैसे ही बांग्लादेश में आवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूटी सर्विस फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है, जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी वो इलेक्टेड होकर आई है। शेख मुहिबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं और शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुए थे, तब रहमान पीएम बनकर सामने आए थे, वो भी कैसे 300 में से 293 सीटें जीत कर। लेकिन उन्हीं की सरकार 1975 के अंदर गिर चुकी थी। फिर 1975 में उनका एसोसिएशन हुआ था, फिर से चुनाव किए गए। इस बार चुनाव एग्जैक्टली उल्टा दिखाई दिया। आवामी लीग 300 में से 146 सीटें ही जीत कर आई थी और शेख हसीना पीएम बन चुकी थी। आज भी बांग्लादेश के अंदर वन साइडेड इलेक्शन होते हैं। इस साल भी चुनाव के अंदर बांग्लादेश में सिर्फ 40% लोगों ने वोट दिया था। 300 सीटों में से 216 सीट आवामी लीग ने जीती थी। यह है तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के मेन लीडर है, लेकिन ये खुद फरार है, अपने ही देश से भाग चुके हैं। यूके बैठकर ये इंडिया आउट के कैंपेन चला रहे हैं। इनके ऊपर भी काफी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं। इसी ने पिछले साल हिंदू स्कल्पचर को फोन टैक्स के साथ कंपेयर किया गया था। उन लोगों को यह कहा गया कि वह पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करे, फ्यूचर रिफाइनरी ऑयल या हिंदुस्तान यूनियन के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू करे। बॉयकॉट करना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो लोगों को ये बात को भड़काना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ बांग्लादेश को ही होने वाला है। अपने पड़ोसी देश से काफी अच्छे संबंध बनाना देश की स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी भी होता है। इंडिया आउट कैंपेन इंडिया से ज्यादा कोल्ड प्रो इंडियन गवर्नमेंट आउट कैंपेन ज्यादा लग रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी चाइना का पपेट बन सकता है जैसे मालदीव बना था। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, इस बात की मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दीजिए। और इसी तरीके से अपना व्यवहार बनाए रखे। जय हिंद।